सो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, कुछ उस टाइप की एडिटिंग के लिए आपको सिंपली दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला तो है ट्यून ऐप और दूसरा है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो दोनों एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपको उसको यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बटन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्यून ऐप, यहाँ पर सर्च बटन पर टैप कर देना है। तो कुछ इस टाइप का आपको एप्लीकेशन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल होने देते हैं। सो फ्रेंड एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल सिंपली हो चुका है। तो सिंपली इसको हम यहाँ से ही ओपन कर ले रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर टैप करते रहना है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ट्यून ऐप का प्रो वर्जन आप ले सकते हो कुछ इतने पैसे में। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको प्रो वर्जन नहीं लेना है, पैसे नहीं बर्बाद करने। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आपको कॉर्नर पर टच कर देना है। यहाँ पर आपको मीडिया को अलो करना पड़ेगा। ओके, इस टाइप से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सिंपली हम यहाँ से हम अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप के आपका फेस को ये स्क्वायर में आपको लगा देगा। तो सिंपली इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट मार्क पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये आपको नीचे लाइन दिख रही होगी, लाइन पूरी होगी आपको फ़ोटो को आपको वो कार्टून टाइप के एडिटिंग में आपको दे देंगे। यहाँ पर भी आपको फिर से पूछ रहा है कि प्रो वर्जन का, तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉर्नर पे। तो फिर इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको वहाँ ऊपर अप्लाई दिया उसके साइड में आपको इरेज का ऑप्शन दिया, सिंपली आपको इरेज पर टैप करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपको जो गले के नीचे का भाग का पूरा हम यहाँ पर इरेज कर देना है। मैं यहाँ पर जितना इरेज कर रहा हूँ आपको इतना इरेज करना है सिंपली, सिर्फ सिर को ही रखना है हमें, सिर्फ हेड ही रखेंगे हम और जितना भी पार्ट है हम इसको इरेज करेंगे। बहुत आराम से करना वहाँ पर, ये वरना ये बॉर्डर लाइन आपकी चलेगी तो आपका फोटो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको आराम से करना है। ओके गाइस, तो इतना हो गया। सिंपल यहाँ से आपको अप्लाई पे कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे सेव का बटन दिया है, आपको सिंपली यहाँ पर सेव पे टच कर देना है। तो ये आपका सेव हो जाएगा सिंपली। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप जो कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का है। सिंपली हम चले जाते हैं अपने गैलरी का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने। तो फिर हमारे पास दो बैकग्राउंड है, एक येलो जैकेट वाला और ये दूसरा रेड वाला। तो आपको सिंपली जो पसंद आता है आपको इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं। मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल हम यहाँ पर ये येलो वाले पे करेंगे, सिंपली यहाँ से हम शेयर कर देते हैं इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आपको ऐड कर देना जो फोटो हमने ट्यून ऐप पर सेव करी थी। यहाँ पर आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ हमने जो ये फ़ोटो क्रिएट किया था उसको आपको सिंपली ओपन करके ऐड कर लेना है। तो कुछ इस टाइप का आएगा जो कि आपको हमें इसे फिर से कटआउट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको नीचे एक लाइन दी हुई टूल्स की बहुत सारे, तो सिंपली कुछ स्लाइड करेंगे यहाँ पर आपको कटआउट का ऑप्शन सिंपली मिल जाएगा। यहाँ पर कटआउट पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिक हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर पर्सनल जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर इसको सिंपली क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक आपका फेस को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको कहीं लगा कि अच्छा नहीं किया है तो सिंपली यहाँ आपको पेन वाले टूल पर टच करना है और आपको कुछ इस टाइप से कर लेना है जो कहीं कहीं रह जाता है ऑटोमेटिक टूल की, तो आपको सिंपली इस टाइप से कर लेना है। यहाँ पर हमारा कान को कह दिया थोड़ा सा, तो हम इसको भी कर लेते हैं। बहुत सारा तो ये अपने आप ही कर लेता है लेकिन थोड़ा बहुत रहता है तो हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेव पे टैप कर देना है। सेव पे टैप करेंगे तो इसके सिंपली आपका फ़ोटो कटआउट हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर आपको लगाना है कुछ इस टाइप से। आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, तो सिंपली मैं इतना रखूँगा और यहाँ से डन कर दूँगा।
शेयर उस यहाँ सेव के बटन जाके आपको सेव कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।